दोपहर 1 बजे भारत गौरव यात्रा ट्रेन अंबेडकर से संबंधित स्थलों पर जाने के लिए यात्रियों को लेकर आई। यात्री ट्रेन से उतरने के साथ ही बड़े प्रफुल्लित नजर आए। बनारस स्टेशन पर एनईआर रेलवे के उपमंडल रेलवे प्रबंधक ने तीर्थयात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया। यात्रियों ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। अब हम बनारस के बाद यहां से गया नालंदा होते हुए फिर वापस हजरत निजामुद्दीन के लिए जाएंगे। भारतीय रेल विभिन्न कॉन्सेप्ट पे ट्रेनें चला रही है, जिसमें ये ट्रेन जो आज हमारे सामने आई है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के उन स्थानों को कनेक्ट करती है जहाँ जहाँ उन्होंने कार्य किए और उनके मैसेज को स्प्रेड करने के उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। हम इस भारत गौरव यात्रा पर निकले हुए हैं डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की, और हमें अंदर से बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें भारत सरकार ने ये मौका दिया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानें। सबसे पहले हम उनकी जन्मस्थली गए थे, उसके बाद दीक्षा भूमि गए थे हम नागपुर में, अब हम यहाँ बनारस में आए हुए हैं। उसके बाद सारनाथ जाएंगे, बोधगया जाएंगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ एक साथ। हमारा 500 लोगों का ग्रुप है जो हमारे लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। हम अपने आप को बाबा साहब की वजह से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत गौरव यात्रा बहुत ही अच्छी यात्रा है।